बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी चयन मामले में बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चुनेंगे हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा का संगठन मतदान केंद्र स्तर तक है। हमारी गतिविधियां लगातार चल रही हैं, निश्चित रूप से हम अच्छा टिकाऊ मजबूत उम्मीदवार देंगे। वहीं किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया, सिर्फ बीजेपी किसानों के लिए काम करती है। किसानों के धान का 90% भुगतान केंद्र सरकार करती है। देखिए, पार्टी के प्रत्याशी चयन करने के बहुत सारे आधार होते हैं। उन आधारों पर एक एक प्रत्याशी पर विचार होगा और विचार करके निर्णय होगा। हम निश्चित रूप से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पार्टी देगी और पार्टी के पास मजबूत और जीतने वाले प्रत्याशियों की लंबी श्रृंखला है, मजबूत आधार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्र स्तर तक है। लगातार हमारी गतिविधि चल रही है, निश्चित रूप से हम अच्छा टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवार देंगे। किसानों की बात है, हम पिछले वर्षों के कालखंड को देखें, 2003 से पहले जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी तो सर्वाधिक प्रताड़ना किसी की हुई थी तो किसानों की हुई थी। किसानों की धान खरीदी का एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, अच्छी मजबूत व्यवस्था वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और किसान खुशहाल हुआ छत्तीसगढ़ का। और आज छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। एक तरफ जहां वर्मी कंपोस्ट अमानक खरीदने पर मजबूर कर रही है, फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करा पा रही है, नकली बीज बेचती है, किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं दे पा रही है, ऐसे किसानों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है। उसी तरह से आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और किसानों के धान का 90% 80% 90% भुगतान तो केंद्र सरकार करती है समर्थन मूल्य के रूप में। धान को जो चावल बनता है वो चावल FCI के माध्यम से भारत सरकार खरीदती है और इसलिए किसानों की चिंता करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है।